वो अब्बा बचाने निकले हैं। आप तो सरदारी को अब्बू बोल दिया उसने। अच्छा। आपने भी देखा है इमरान खान ने आज से 12 साल 13 साल पहले कहा था मैं इन पर हाथ डालूंगा, ये चोर इकट्ठे होंगे। आज हुए हैं कि नहीं हुए आपने भी देखा। हम भी ओनली की गुल्लू क्रेसी के खिलाफ और जो उनकी बदमाशी थी उसको लगाम दिया और बड़े एहसन तरीके से पोलिंग का अमल हुआ है। लुटिया ने इस तरीके कि जिदा सबूत को नहीं लगता पे वो बादशाह ने लुटन के उन्हें ऐसे तरीके लुटे है। वो जो 11 जमातें मिक्स अचार जो था उसने तो सारा डफर डाला हुआ था, उसी वजह से सारा मसला बना हुआ था। तो उस्मा बुखारी उसका आना चक्कर लगाना और ये इस तरह के लोगों को ये हरासा करना वो चीज़ थी, लेकिन अब लोग जो है ना समझ गए इनकी। किसान भाइयों के लिए बिमिटको प्राइवेट लिमिटेड एग्रो सर्विसेज डस्का महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा कंपनी की मुनफरिद पेशकश, जदीद दौर के ऐन मुताबिक जहां पर मिले आपको खेतों में काम करने वाली तमाम छोटी बड़ी जदीद तरीन मशीनें। माशाल्लाह बड़ा सियासत में एक्टिव है 75 में, तो आप क्या सूरत हाल देखी आज आपने अमन अमान की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो PTI गवर्नमेंट को जबरदस्त खराज तहसीन है कि उन्होंने जितना एहसन तरीके से नून लीग की गुल्लू क्रेसी के खिलाफ और जो उनकी बदमाशी थी उसको लगाम दिया और बड़े एहसन तरीके से पोलिंग का अमल हुआ है। तो थम्स अप फॉर उस्मान बुज़दार साहब और जितनी भी लॉ ऑर्डर एजेंसीज हैं, स्पेशली रेंजर, पंजाब पुलिस। उसके बाद जी नज़र आ रहा है पाकिस्तान तरीके साहब जीत चुकी है। हम पहले भी जीते थे और अब भी जीतेंगे और इंशाल्लाह 40,000 की लीड से जीतेंगे। वालेकुम सलाम। आज कैसा दिन भर आपने महसूस किया है अमन अमान की सूरत हाल? अमन अमान की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। हमारी आर्मी ने, कमांडोज़ ने, इवन पुलिस ने भी बहुत अच्छे इंतजाम थे, बहुत स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह काम चला है और अल्लाह का शुक्र है अच्छा रहा। तो रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह PTI जीतेगी इंशाल्लाह। पहले भी जीते थे और अब भी जीतेंगे इंशाल्लाह। पहले तो जीत तस्लीम नहीं हुई, इस दफा होगी इंशाल्लाह, जरूर होगी। वो तो अब आपको पता है नून लीग के लोग पुराने धांधली वाले और मकार अयार और खौफनाक किस्म के जो है धांधली ज्यादा लोग, जो हराम का उनका पैसा है मंशियात से कमाया हुआ, तो वो इसी तरह लगाते हैं ना। तो हमारे पास इस तरह का नहीं है कि हम पैसे दे के वोट खरीद लें, वो तो ये वाले लोग हैं। लेकिन हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है, 100% उम्मीद है हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बच बैठे आप? नहीं जी इंशाल्लाह PTI। क्या वजह PTI की सपोर्ट करने? देखें जी, चोर मुल्क पूरा लूट के, मोटरवे गिरवी रख के, एयरपोर्ट गिरवी रख के, PIA तबाह करके, स्टील मिल तबाह करके मुल्क से भाग गए हैं। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई इमरान खान कर रहा है। आप खुद बताएं, मकरूद मुल्क का वजीर आज़म महंगाई ना करे तो क्या करे? अच्छा। हम महंगाई से नहीं भागते, इंशाल्लाह वो कम करेगा, हमें पता है इंशाल्लाह वो कम करेगा, ठीक है ना। हम उसके साथ शाना बिशाना कर रहे हैं। वो तो कहते हैं बीमार हो गए हैं, भागे नहीं है भाईजान, ये बीमारी एक बहाना है। 22 करोड़ आवाम के लिए जो लाहौर के हॉस्पिटल हैं वो हैं, उन सब के लिए वो लंदन का हॉस्पिटल, ठीक है। आप खुद सोचे ना, ये बेकार हैं जो जो आ गए हैं ना, ये मरियम नवाज आई है इधर, ये क्या, ये सारी मारदार उन्होंने की थी पिछली दफ़ा में, PTI का कारकन शहीद हुआ था। वो तो कहते हैं जमहूरियत बचाने निकले हैं मरियम साहब, अभी अब सजदा नशीन की। वो अब्बा बचाने निकले हैं, अब तो सरदारी को अब्बू बोल दिया उसने। अच्छा। आपने भी देखा है इमरान खान ने आज से 12 साल 13 साल पहले कहा था मैं इन पर हाथ डालूंगा, ये चोर इकट्ठे होंगे। आज हुए हैं कि नहीं हुए आपने भी देखा, हम भी देख लें। बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी अली असद मलिक साहब को। क्या वजह? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत ही मतलब के डस्के में काम करवाए हैं, मतलब के कॉलेज वगैरह बनवाया लड़कियों का, और भी काम उन्होंने करवाए हैं, ठीक है। नून लीग के आपके सामने हालात जैसे तरह उन्होंने मुल्क में किया हुआ है, ठीक है। उनका जो सा नवाज शरीफ है सबसे बड़ा नशाई और चोर, वो जाकर लंदन में बैठा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं और हम ये हैं, सच्चाई कहते हैं हमने मुल्क बचाया, हमने मुल्क बचाया। इन्होंने कुछ नहीं मुल्क का बचाया, इन्होंने तो करप्शन के अलावा कुछ किया ही नहीं मुल्क में। अच्छा, तबाही की है? हाँ, सिर्फ तबाही की है। बहुत शुक्रिया। वोट कास्ट कर लें जी? जी इंशाल्लाह। किसको वोट दिया? इमरान खान अली असद मलिक को। अली असद मलिक को इंशाल्लाह जी। तो शेर को या TLP को क्यों नहीं? बस इमरान खान हमारा वजीर आजम है। अच्छा। इंशाल्लाह उसको वोट देंगे और इंशाल्लाह जब तक वो है वोट देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। लोग जो उनके खिलाफ कह रहे हैं कि महंगाई बड़ी हो गई है, मुल्क जो है वो जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं हुए, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह के फजल ना अली हजरत मल्ली विन होगा और इंशाल्लाह जीतेगा, MNA होगा। अच्छा, आगे तो रिजल्ट तो आज भी तस्लीम ना किया गया तो फिर नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल ना पूरा अमन, बहुत अच्छा, बहुत पूरा अमन है, बहुत पूरा अमन, बिल्कुल पूरा अमन है आज। आज जो भी साफ सफाई ने बिल्कुल हर बंदा साफ सफाई है, बहुत अच्छा इंतजाम है आज। लोगों को कोई खौफ और आस नहीं? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल खौफ और आस नहीं। मिशन साहब आप ही खुद, इलेक्शन कमीशन साहब पंजाब खुद आए हैं, आप ही भी वो सारे चक्कर ला रहे हैं, बिल्कुल कोई से कोई शिकायत नहीं। अमन अमान बड़ी अच्छी, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। की रिजल्ट देख रहे हो आज?
इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह और एमएनए डस गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह होएगा इमरान की वजह तोड़ी खान साहब ने सपोर्ट करने दी पीटीआई ने खान साहब ने एक दूसरा जो तुम्हारे सामने जो लुट के ले गए ने सारा कुछ अच्छा तो लुटिया ने इस तरीके नाल कि जिदा सबूत कोई नहीं लभदा पिया वो बादशाह ने लुटन दे उन्हें ऐसे तरीके नाल लुटिया कि सबूत लभण वास्ते गवर्नमेंट बड़ा मुश्किल लगता पिया गुजियां मारियां ने मैं ना बड़ियां जबरदस्त मियां साहब ने मारियां ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਿਸ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਡਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜ ਹਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਐਮਐਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਟਰਨਓਵਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਖੋਫੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ लोगों में खौफ और आस तो नहीं कोई भी नहीं अच्छी सिक्योरिटी है लेकिन नून लीग वाले तो कुछ जगह पे धांधली की शिकायत कोई धांधली आपके सामने आपने भी कवर किया सारा लेक्चर बेहतरीन चल रही है तो आज किसकी जीत आप पी टी आई की जी 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 भाई अस्सलाम वालेकुम जी भाई क्या कहेंगे आप कुछ भी नहीं आज कैसी सोचा रही बिल्कुल साहब के सामने है सारी लीड फोर्स भी आई हुई है रेंजर्स वगैरह भी आई हुई है सामने सब नहीं नहीं किसी भी ने सब ने ज्यादा ना माहौल में इलेक्शन करवाया बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर क्या कहेंगे सबसे पहले तो अमनो अमान की सूरत क्या अमनो अमान बेहतरीन है सिर्फ और सिर्फ ये नून लीग वालों ने कुछ कोशिश की है लेकिन हम लोगों ने बर्दाश्त किया है और दूसरा जो है ये है कि वोट की जो रेशो है इस पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई की बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह ताला पीटीआई विन करेगी इंशाल्लाह तो आपकी विन को तस्लीम भी किया जाएगा कि नहीं वो इंशाल्लाह होगा क्यों नहीं होगा ऐसे नहीं है कि बस वो जो पिछला जो दौर था वो आपको पता ही है उनका सारी सूरत हाल का वो जो 11 जमातें मिक्स अचार जो था उसने तो सारा रफड़ डाला हुआ था उसी की वजह से सारा मसला बना हुआ था अब इंशाल्लाह ताला वो सूरत हाल और है और इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह जी भाई आप क्या कहेंगे टर्न ओवर कैसा रहा आज जी पहले से बहुत बेहतर रहा टर्न ओवर और मतवातर ही चलता रहा पूरा दिन ही जो है ना वोटर निकलता रहा सर तो रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी कितनी लीड आप पहले तो 7000 की थी हां इस दफा ज्यादा होगी इंशाल्लाह अब इस तरह इस दफा जो लीड है इसकी तक 20 से 25000 होगी 20 से 25000 डेफिनेटली होगी ओवरऑल जितना भी हमने देखा है और जो आज हम वोटरों का जज्बा वोटरों का देख रहे हैं इससे पहले हमने नहीं देखा वो जो पिछली दफ़ा जो इन्होंने जो वो जो जितने भी थे इनके जो वो क्या नाम उनका जी वो जो दूसरे लोग जो इनके आते थे वो साहब ये वो लेकिन अब वो सूरत बुखारी उस्मा बुखारी उनका आना चक्कर लगाना और ये इस तरह के लोगों को ये हरासा करना वो और चीज़ थी लेकिन अब लोग जो है ना समझ गए इनकी बेवकूफ हर चीज़ को समझ गए बहुत शुक्रिया किसान भाइयों के लिए बिमिटको प्राइवेट लिमिटेड एग्रो सर्विसेज डस्का महकमा ज़रात हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा कंपनी की मुनफरिद पेशकश जदीद दौर के ऐन मुताबिक जहां पर मिले आपको खेतों में काम करने वाली तमाम छोटी बड़ी जदीद तरीन मशीनें किसान भाइयों के लिए बिमिटको प्राइवेट लिमिटेड एग्रो सर्विसेज डस्का महकमा ज़रात हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा कंपनी की मुनफरिद पेशकश जदीद दौर के ऐन मुताबिक जहां पर मिले आपको खेतों में काम करने वाली तमाम छोटी बड़ी जदीद तरीन मशीनें